भिवाड़ी के चौपान के क्षेत्र में गत 3 मई को एक लोडिंग गाड़ी आयशर कैंट्रा चोरी के मामले में चौपान के थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में चोरी हुई कैंट्रा गाड़ी को पुलिस ने पहले ही बरामद कर लिया था। थाना अधिकारी नंदलाल सिंह जांगिड़ ने बताया कि जावेद पुत्र मोहम्मद इकबाल ने मामला दर्ज करवाया था कि वह गत 3 मई को चौपान के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पंजाब नेशनल बैंक के पास अपनी आयशर कैंट्रा गाड़ी को रात 8 बजे खड़ी करके कमरे पर सोने चला गया था। जब सुबह उठकर देखा तो उसकी गाड़ी नहीं मिली। आसपास देखने पर भी गाड़ी का कहीं कोई पता नहीं चल पाया। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए चौपान के औद्योगिक क्षेत्र में गाड़ी की तलाश की, लेकिन गाड़ी नहीं मिल पाई थी। चौपान की थाना पुलिस गाड़ी की तलाश करते हुए मुखबिर की सूचना पर हरियाणा के नूह मेवात में होडल रोड पर पहुंची, जहां पर एक पेट्रोल पंप के पास में गाड़ी को बरामद कर लिया। पुलिस गाड़ी को भिवाड़ी ले आई और आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। पुलिस ने अनेक सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से आरोपियों को चिन्हित किया और उनकी धरपकड़ के लिए टीमें गठित की। बुधवार को बावला तावड़ू नूह मेवात के रहने वाले आरोपी सोहेल खान पुत्र इकबाल खान व शाहिद उर्फ टाऊ पुत्र जमील अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस दोनों ही आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है।